क्या है ये कर रहे हैं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते थे। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस कैसे लगी फिर न्यू लुक, ठीक है ना। अभी कटिंग वगैरह करा ली है तो अहमद की भी आपने देखा था कटिंग, आज करवाई है मैंने, आज नहीं करवाई मैंने, कल करवाई थी, ठीक है। तो अभी आज जाना है सामान लेने मुर्गियों का, मुर्गियों की फीड लानी है, सब्जी लानी है, पानी वाली मोटर लेके आनी कूलर के लिए, मैं ढूंढ के लाऊंगा कि भाई वो अच्छी वाली मिल जाए जो अभी लगी हुई है, क्योंकि वो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी टाइम हो गया उसमें चल रही है, ठीक है। और जो दूसरी लेके न्यू लेके आया था ना, वो दो दिनों में ख़राब हो गई थी, तो अभी बुलाता हूँ फिर ऊपर जाके देखते हैं, अभी दाना वगैरह डालें इनको मुर्गियों को, और फिर मुर्गियों की जो बोतलों वाला मैंने सिस्टम कहा था ना खुराक का, वो भी करना है अभी करता हूँ इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल निकालना निकलना जल्दी जल्दी सामान लेके आगे ना, फिर मैं मिलता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, वीडियो बननी नहीं मुझसे बाहर। तो अभी क्या, और अभी आया ये देखें ये पड़ा है, तो पूरे महीने का अभी जाके रखता हूँ, पूरे उनका वो बनाता हूँ, कुंडे का सारा उनको दाना वगैरह डालता हूँ, फिर सफाई भी करनी है ऊपर कमरे की, क्योंकि अभी दो दिन रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंगल तो ईद है और आज हफ्ता है और कल इतवार है, परसों फिर मंगल या बुध को ईद है, तो किसी दिन रहेंगे तो मैं कहता हूँ भी सारी सफाई कर लूँ, क्योंकि उसके बाद ईद पे तो साफ़ सुथरा रहना पड़ता है, फिर दोस्त वगैरह भी आएंगे, तो अभी थोड़ी देर अंदर देखें पान अहमद को क्या कर रहे हैं। अहमद 100 रुपये ले ले भाई जा भाई, कर ले ड्रामे कितने करने हैं, ड्रामे वास्ते वैसे लाइट चली गई है अब, ठीक है। और ये इसके ना जब नहाने गए थे इसके, देखे ये नाक पे चोट लगी, दिखा आंखें खोल के, दिखा आंखें खोल जोर से, पूरी आंख खोल, नहीं चलो गाड़ी भी चलेगी, अभी बैठते हैं सुकून से। फैमिली ये देख सकते हैं, ये फीडर बनाया मैंने इनका, ये देखे ठीक है, ये अलहदा से है, ये इसके अंदर यहाँ से खाने के लिए खुराक और यहाँ से दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से बनाया हुआ है, और ये फीडर जो इनके इसमें इनको खुराक डालनी, ये इधर गेम है, अभी इनको वहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, इसके अंदर खुराक भी डालता हूँ, तब देखना जी माशाल्लाह से खाते हैं कि किस तरह खाते हैं किस तरह नहीं खाते हैं। दाना भी डाला और ये देखें सारे इधर, जहाँ इनको पता लग गया कि बोतलें रखी गई हैं और इसमें इसमें मिलना है हमें खाना, तो अभी मैं डालता हूँ फीड। ये देखें ये फीड डालने के लिए मैंने इस तरह बनाई है, इसका ढक्कन खोलना है, मैं अभी खोल के ना मिलता हूँ, ये देखें ये गई जी फीड इसके अंदर, ये गई फीड इसके अंदर, और ये वाला इसलिए बनाया है कि इसके अंदर फीड डाल सकूँ मैं, ये देखे फैमिली माशाल्लाह से ये बेहतरीन सिस्टम है, इस ये टीकाकार भी अच्छा है, इसमें खाएंगे भी ये, जो बाकी बच गया है इसको मैंने इसी तरह रखना है, इसी तरह जाके वापस छापर में डाल देना है, ठीक नहीं। अभी दिखाता हूँ आपको, वो देखें माशाल्लाह से उधर सोए में आराम सुकून से, वो कुछ उधर सोए में कूलर के आगे ठंडी हवा भी ले रहे हैं और साथ अपनी नींद भी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तेरी ये देखिएगा आगे, ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह सारे भी इधर आ गए खाने के लिए, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, और ये ना कबूतरों से डरते भी हैं, कबूतर उड़ते हैं ना जब तभी डरते हैं, कभी इधर चल जाते हैं कभी उधर चल जाते हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सफाई कर दी मैंने, ये धो भी दिया है, इसके अंदर से भी सफाई कर दी है, खाली है एकदम, फिर नया दूरा लाना, ये चादर डालनी है बिछानी है, मैं कहा यार अफ्तारी के बाद करूँगा चादर बिछानी है, बाकी है सारा डस्टिंग वगैरह कर दिया इनको, बस तरतीब देनी है, तरतीब देंगे फिर इंशाल्लाह अपनी शाइश ख़त्म हो जाएगी। सहन भी धो दिया है एकदम साफ, जो कचरा था वो भी सारा वो अंदर से मुर गया अभी माशाल्लाह से, और इनके ऊपर से एक प्लास्टिक शीट भी मैंने उतार दिया है, यहाँ से हवा आती है, वो दुबारी रखी ताकि बारिश हो तो उधर चल जाए, वो चूज़े माशाल्लाह से हमारे, ये क्यों नहीं करता फोकस इसका पता नहीं,
तो माशाल्लाह से शुक्रिया मुर्गिया सब बेहतरीन है। तो अभी करता हूँ व्लॉग को एंड फैमिली, अभी करता हूँ व्लॉग को एंड। अभी आखिरी दिन रह गया है, आखिरी इफ्तारी है या सेकंड लास्ट इफ्तारी है। तो ये जो आखिरी दिन होते हैं इफ्तारी के, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ना पूरे रमज़ान इफ्तारी के दिन लोगों की बख्शिश करते हैं। और एक रवायत में आता है 10 लाख लोगों की, 10 लाख मुसलमानों की बख्शिश करते हैं। तो जो आखिरी इफ्तारी होती है ना, उस इफ्तारी में ना जितने पूरे रमज़ान में जितने भी अफराद की बख्शिश की होती है ना अल्लाह ताला ने, उसके बराबर सब की बख्शिश करते हैं। मतलब यार ये बहुत बहुत ही ज़रूरी होता है। और आखिरी रात यानी कि चांद रात भी, ये भी बहुत अहम होते हैं, इनामात की रात होती है ये। तो यार इस रात में चीज़ें वगैरह नहीं, ईद की तैयारियाँ करें, ठीक है, अच्छी बात है। और ना थोड़ी सी अपने लिए अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालें रात को, घंटा दो घंटा, ताकि अल्लाह से बख्शिश मांगे, इनामात मांगे। तो ये बहुत अहम और बहुत ही ख़ास दिन जा रहे हैं ये आखिरी 2 दिन। तो यार ये कमाल है, तो दुनिया और आखिरत में बहुत ही फायदा देते हैं। तो बाकी यार मैं अभी व्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। ईद से पहले चांद रात की बनाऊँगा वीडियो रात को, फिर आगे ईद की बनाएंगे। फिर मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।